सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 9 Prime डिवाइस के MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिला है। लेकिन गाइस, ये अपडेट ना पायलट यूजर्स को देखने के लिए मिला है। एंड गाइस, ये अपडेट 6 दिसंबर को देखने के लिए मिला था, जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 13.0.1.0 का देखने के लिए मिल गया था। एंड गाइस, जब पायलट यूजर्स को अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है ना, वो यार टेस्टिंग पर्पज के लिए अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। सो अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग या इशू देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वही यार अप्रॉक्स 1 वीक बाद है तो सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यार पायलट यूजर्स को जो Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिला, वो 6 दिसंबर को अपडेट देखने के लिए मिला। यानी कि यार अप्रॉक्स 13 डेज हो गया है, लेकिन अभी तक सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि यार अपडेट देखने के लिए मिल जाना चाहिए था सभी यूजर्स के लिए, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि सभी यूजर्स के लिए भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है। सो अभी तक सभी Redmi 9 Prime डिवाइस के यूजर्स के लिए MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो गाइस देखो, हो सकता है कि पायलट यूजर्स को मे बी कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिल गया होगा, इसी वजह से अपडेट को वहीं पे रोक दिया गया है। अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है, यार अभी तक ना अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता। देखो, अगर पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिल गया होगा, तो वो जो बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद फिर से अपडेट को रोल आउट कराया जाएगा। उसके बाद जो अपडेट को रोल आउट कराया जाएगा, तो वो भी कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर उन यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वही उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगा। तो देखो, मे बी हो सकता है कि पायलट यूजर्स को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिल गया होगा, इसी वजह से अभी तक सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सो यूजर्स ना कमेंट सेक्शन में पूछते रहते कि भाई हमें अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, कब तक मिलेगा। यार अभी पायलट यूजर्स को ही अपडेट देखने के लिए मिला हुआ है, अभी तक सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सो सभी यूजर्स के लिए जब अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, तो यार आप लोग को भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अपडेट सभी यूजर्स के लिए भी मिलना स्टार्ट होगा, तो उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलेगा। सो इसी वजह से आप अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। वैसे यार फिलहाल में अभी तक सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी पायलट यूजर्स को ही अपडेट देखने के लिए मिला हुआ है। सो देखो क्या होता है, क्योंकि यार मैंने एक वीडियो में पूछा भी था कि जो पायलट यूजर्स है जो अपने डिवाइस को अपडेट कर लिया है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला। यार एक ही यूजर्स का कॉमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि कोई भी बग नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि एक यूजर्स को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो यार हो सकता है कि और यूजर्स को बग एंड इशू देखने के लिए मिल गया होगा, तो इसी वजह से अपडेट को वहीं पे रोक दिया गया। और भी बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन उन लोगों का कमेंट था कि अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यार, वेट कर लो, जब सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट होगा, तो आप लोग को हम इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, यह लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।